पे वैलेंटाइन डे मेकअप लोग क्रिएट किया है, आप देख पा रहे होंगे। सो मैंने काफी कम प्रोडक्ट में इसे क्रिएट किया है। सारे प्रोडक्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये गर्ल्स के लिए है जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगी, उनके लिए ये मेकअप है, जरूर इसे देखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करो यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। हेयर बैंड लिया, उसे अच्छे तरीके से लगा लिया, मेरे फेस पे कोई भी हेयर ना आए। मैं यहाँ पे लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइजर ले रही हूँ एज अ प्राइमर, मैंने यहाँ थोड़ा सा लिया है और ऑल ओवर फेस में मैं अच्छे तरीके से लगा लूँगी। ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है, आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से ये हाइड्रेट करता है। नेक्स्ट मैंने लैक्मी परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन लिया है, मेरा शेड है नेचुरल और मैं एक स्पंज की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे तरीके से लगा लूँगी। आप हमेशा फाउंडेशन को डॉटेड डॉटेड करके लगाइए, कभी भी इसे रब नहीं कीजिए। मैं यहाँ पर डैब करके अच्छे तरीके से लगा लूँगी। ऑल ओवर माई फेस पे, अपने नेक पे, अपने ईयर पे, मैंने NYX का कंसीलर लिया है इन द शेड 2। मैं यहाँ पे ब्रिजॉप टू माई नोज क्यूपेट्स सबको अच्छे तरीके से लगा लेंगे और इसी स्पंज की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। मेरा यहाँ पे फाउंडेशन और कंसीलर लग गया है। अब मैं यहाँ पे मेबलिन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ अपने फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट सेट करने के लिए। कंसीलर को सेट करने के लिए मेरे फेस पे कोई हार्श लाइन ना लगे, मैंने यहाँ पे ADS का आईब्रो पेंसिल लिया है इन द शेड ब्लैक। मैं इसको अपने आईब्रो को अच्छे तरीके से इस पेंसिल की हेल्प से अच्छे तरीके से फिल कर लूंगी। फिर मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट लिया है, इसमें से मैं ये ब्राउनी शेड पिक कर रही हूँ, मैं अपनी क्रीज लाइन पे रख के उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी विद हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये वाइट कलर का शेड ले रही हूँ, इसे भी अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूंगी। यू कैन सी नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक सिमरी शेड ले रही हूँ, इसे मैं अपने एक मुझे ये थोड़ा एक ग्लॉसी लुक देगा, इसलिए मैंने ये सिमरी शेड पिक किया है। देन मैं अपने फिंगर के हेल्प से भी नेक्स्ट शेड देखिए अच्छे तरीके से लगा लूँगी। मैंने अपने दोनों आईज पे अच्छे तरीके से लगा लिया। मैं फिर से ये शिमरी शेड ले रही हूँ, फिर से अपने आईज लिड पर लगा लूंगी अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ लगा लिया अच्छे तरीके से,
मैं ये ब्राउन वाला शेड ले रही हूँ कॉन्टोर करने के लिए। आप कोई ऐसा पैलेट नहीं जिसमें आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं, आप ऐसा हाइलाइटर भी उसे यूज कर सकते हैं। आप ऐसा पैलेट लें जिसमें, और ये हुडा ब्यूटी का रोज पैलेट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं पाउस को हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे डायनामिक का लिक्विड आईलाइनर लिया है, पेन आईलाइनर लिया है। मेरा 01 शेड है, अच्छा सा विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। मुझे एक बोल्ड लुक क्रिएट करना है, इसमें मैं एक विंग लाइनर क्रिएट करूँगी। मैं इसी को ऐसा काजल भी यूज करूंगी। ये मेरे आई को काफी, एक अगर आपकी आईज छोटी है तो इससे आपकी आईज काफी बड़ी लगेगी इस विंग लाइनर को ड्रॉ करने के बाद। मैंने यहाँ लगा लिया अच्छे तरीके से। लोटस का मश्करा लूंगी, इतने अपने आईलैशेस को अच्छे तरीके से लगा लूंगी। इससे मेरा आईलैशेस काफी अच्छा अट्रैक्टिव लगेंगे। लोअर लैशेस पे भी मैं लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसी रोज गोल्ड पैलेट को लूंगी और अपने कॉन्टोर करूंगी अपने चिक पे। रोज गोल्ड पैलेट काफी अच्छा है, हम सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आके परचेस कर सकते हैं। इसी रोज गोल्ड पैलेट में से मैं ये पिंक शेड एज अ ब्लश यूज करूंगी। पिंक कलर का जो कलर का है उसे मैं एज अ ब्लश यूज करूंगी। मैं ये शिमरी शेड लूंगी और इसे अपने चिक को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दूंगी अपने नोज को, ब्राउ बोन्स को, क्यूपिड्स को। इनर कॉर्नर को मैं यहाँ पे लिप लाइनर दे रही हूँ पहले अपने लिप को एक अच्छा सा शेप देने के लिए और एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए। आप लिप लाइनर का जरूर यूज़ करें, अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो आप डायरेक्ट लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैट का
रेड लिपस्टिक लिया है, मैं अच्छे से लगा लूंगी। कलर काफी अच्छा है, मेरा शेड एस। आपको मेरा ये वैलेंटाइन डे मेकअप लुक अच्छा लगा हो सो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। तो मैं आपसे अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइज़।